जय श्री राम। जयवाला जी की आज हम आए हैं खेरदा इंडस्ट्री एरिया, नहीं खेरदा रिको पड़ता है, क्या बोलता है नहीं ये खेरदा ही है, खेरदा राम बाबू जी के हमारे गौशाला के पास, गौशाला के पास राम बाबू जी ठंडा जो पुलिस कंट्रोल रूम है उनके बाड़े में है। सांप दो देखते हैं कौन सा, हमने देखे नहीं। मतलब काले रेगा है उस पर मुंह काला नहीं है। ये पत्थर हटाओ, ये वाली साइड, हाँ ये है। नहीं है ना, हाँ देख ले लिया ये। सामने भी लिया नहीं, सामने वाला देख लिया। दिखे? हाँ एक तो दिखा नहीं रहा। हाँ ये दामन है? दो है क्या? दो बता रहे थे आप? हाँ दो ही है, एक पता नहीं एक है पर हम दो दिख रहे हैं यहाँ। दामन दामन। अभी बड़ा प्यारा शॉप दामन है। घूमते हुए दिखाई दिए तो दो भी हो सकते हैं, ये पता नहीं एक। अरे दामन आओ आगा देख लो, वो आगे को और वो पीछे को कालो कालो देख रहे जो हो सके जी। नहीं बात अलग देखे ये नहीं है। हाँ तो वो फिर दो नहीं है तो बात हो ना, प्लेन है बिल्कुल काहे भी बोल टच। अच्छा अच्छा अच्छा, जीव जंतु से आ जाते हैं भोले भटके, अपने ही तैसी हैं ये मनुष्य जाति के लिए जीते हैं। सही है, अगर ये नहीं होंगे तो चूहों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि किसान का 70% पैदा किया धान तो ये चूहे खत्म कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, किसान के सबसे बड़े हमदर्द होते हैं ये, मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ी बहुत अच्छा रोल निभाते हैं ये। नहीं तो चूहों की आबादी ऐसी हो जाए, अधिकांश बीमारियां चूहे ही फैलाते हैं क्योंकि गंदगी में सब्जी के घूमते हैं वो और अपने ही भोजन में आके मुंह लगाते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं अनेक प्रकार की। ये देख लेते हैं दूसरे, आपने दो देखे हैं ना? दो है वो दो है ना, बिल्कुल दारी बनो। अच्छा कोई बात नहीं, दामन जी दामन इनको बचाओ तो हर जीव करता है साहब। हमने यहाँ से सांप पकड़ा, दो सांप हमको बताए थे परंतु एक ही सांप था और इंडियन रेड स्नेक जिसको धामन बोलते हैं हम देसी भाषा में, वो निकला है, उसको हमने सकुशल पकड़ा है, उसको पुनर्वास हेतु रणथंभौर के जंगलों में उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वीडियो में बने रहें इसकी रिलीजिंग दिखाएंगे, चलते हैं। जय श्री राम। देवाला जी जय श्री राम। जय बालाजी की। फिर आ गए हैं हम जंगल और आज हम लेके आए हैं इंडियन रेड स्नेक जो कि उसे बोलते हैं हम धामन, देसी भाषा में धामन बोलते हैं। आज मेरे पास टेलीफोन आया हमारे राम बाबू जी गुजर जो पुलिस महकमे में जिला सवाई माधोपुर कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत हैं। उनका टेलीफोन आया सुबह कि हमारे यहाँ पर एक सांप आ गया, दो सांप बताए थे उन्होंने, बाकी निकला एक ही, तो रेड स्नेक निकला, वो डरे हुए थे, बाकी इससे कोई डरने की बात नहीं है, बहुत सुंदर सांप है और ख़ासकर इंसानों का, और इंसानों में सबसे ज़्यादा किसानों का हितैषी होता है ये, चूहों की आबादी को कम करता है, चूहों की आबादी पर नियंत्रण बनाए रखता है और बहुत ही सुलझा हुआ प्राणी है और बहुत सीधा प्राणी है, बहुत सुंदर प्राणी है। हम हमारे इस कार्य में हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे जीवों को बचाने के लिए क्योंकि ऐसे जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में हमारे पर्यावरण में बहुत ज़रूरी है।
और हम एक ही बिना पे काम करते हैं, जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो हम इसको रिलीज करते हैं, बढ़िया जंगल का माहौल है, बहुत सुंदर माहौल है और यहाँ पर ये इसका जीवन व्यतीत कर लेगा, चूहे की आबादी वगैरह, पानी वानी सब अच्छा है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर आज़ाद करते हैं। देखिए आप भी, बड़ा ही प्यारा जंगल है, तो हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं। जा भाई निकल, जा भाई जा, बहुत सुंदर सांप है, देखो कम से कम लेंथ 5.5 फीट के लगभग, और बहुत सुंदर है। जा भाई, जी ले तेरी ज़िंदगी, जा घूम फिर ऐश कर, आनंद कर, बहुत सुंदर। अपने जीवन के लिए चले गया है, इसने दिशा पकड़ ली है, और यहाँ पानी भरा हुआ है काफ़ी अच्छा, तो हम चाहेंगे कि इसका जीवन जी लेगा बढ़िया। और मैं मेरे सभी यूट्यूबरों से और जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना यही करूँगा कि आपके माध्यम से लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि ये जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में कितने ज़रूरी हैं, और इन जीवों को बचाने में अपना योगदान दें, जिससे ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखें, शुद्धिकरण चलता रहे, तो हमारा इकोसिस्टम बरकरार रहेगा, और हम लोग इन जीवों की वजह से हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तो हम एक ही बिना पे काम करते हैं, और मैं बार बार क्यों यही कहता हूँ कि दुनिया में शांति का पैगाम भी यही होना चाहिए कि जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसी जीव की जान बचाते हुए, किसी सांप की, रेप्टाइल की, किसी जीव जंतु की जान बचाते हुए मिलते हैं, और उन परिवारों का भय दूर करते हुए, डर दूर करते हुए, जिनके बीच में ये जीव जंतु भूले बिसरे आ जाते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय सियाराम, जय बालाजी की, जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे हम सब मिलकर, वंदे मातरम, जय हिंद।